इंदौर दिजाजीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की तस्करी करने वाली एक गैंग को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने दिल्ली व सीहोर में हथियार भेजे थे। पुलिस ने आरोपियों से देसी पिस्तल व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल दिजाजीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार लेकर इंदौर से बाहर जाने के लिए करताल फाटक के नज़दीक लिफ्ट लेने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। वहीं इन आरोपियों की तलाशी में थैलों में रखे 10 देसी पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां आरोपियों ने बताया कि यह लंबे समय से ट्रक व ट्रॉली में लिफ्ट लेकर हथियारों की तस्करी कर रहे थे। आरोपी हथियार दिल्ली व सीहोर में बेचते थे। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि यह पहली पार्टी से बैंक खातों में एडवांस पैसा लेकर हथियार सप्लाई करते थे। अब तक पुलिस ने इन आरोपियों से 10 पिस्तल 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। यह सभी आरोपी खरगोन के रहने वाले हैं, जो 8,000 से लेकर 20,000 प्रति नग के हिसाब से पिस्तल बेचते थे। वह अब तक कई लोगों को पिस्तल व कारतूस भेज चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने को आरोपियों से पूछताछ में और कई खुलासे होने की उम्मीद है। थाना तेजाजीनगर क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी थाने पर कि कुछ लोग लिफ्ट लेकर जाने वाले हैं और उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। इस पर थाना प्रभारी तेजाजीनगर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। इसमें CSP आजाद नगर और थाना प्रभारी तेजाजीनगर द्वारा एक टीम का गठन करके मौके पर घेराबंदी करके लिफ्ट लेने वालों को पकड़ा गया और उनकी तलाशी लेते उनके पास से हथियार बरामद हुए और उनके पास जिंदा कारतूस भी थे। पकड़े गए आरोपियों में चमन, धर्मेंद्र और उत्तम हैं। इनमें से चमन और धर्मेंद्र दिल्ली के रहने वाले हैं और उत्तम सीहोर का रहने वाला है। जब इन लोगों की तलाशी ली तो जो हथियार बरामद हुए तो इनसे पूछताछ हुई कि हथियार इनके पास कहां से आए, तो इनके द्वारा बताया गया कि हथियार इन्होंने खरगोन जिले के गोगावा के सिगनूर गाँव से सिकलीकरों से खरीदे हैं और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद ये हथियारों की डिलीवरी हुई है। जिन लोगों ने इनको हथियार दिए हैं उनके संबंध में जानकारी लेते मालूम किया गया कि वो जो देने वाले हैं उनमें नानक सिंह, अजय छाबड़ा, बादाम सिंह और महिपाल, ये 4 सिकलीकर हैं। इनके द्वारा ये हथियार इन लोगों को दिए गए थे। पुलिस द्वारा तत्काल गोगावा के लिए टीम रवाना की गई और वहाँ पर घेराबंदी करके 4 आरोपियों में से 3 आरोपी अजय, बादाम और महिपाल को गिरफ्तार किया गया। नानक सिंह मौके से फरार हो गया। अभी नानक सिंह की गिरफ्तारी होना शेष है। इन जो पकड़े गए आरोपियों हैं इनके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है। पूर्व में भी अवैध हथियार बनाने में संलिप्त रहे हैं। नानक सिंह जो है उनके पिता गुरेश सिंह, वो भी पूर्व में वहाँ पर कई अपराध हैं उनके ऊपर सूचीबद्ध वहाँ पर गुंडा हैं वो। इस प्रकार से तेजाजीनगर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की जो डिलीवरी होनी थी बड़े स्तर पर, यहाँ से जो हथियार दिल्ली और अन्य राज्यों में जाने थे उन हथियारों को पकड़ा गया है और एक बड़ी वारदात को होने से रोका गया है। कुल मिलाकर 10 पिस्टल इनके कब्जे से बरामद की गई हैं। इसके साथ साथ जिंदा राउंड भी हैं और जो हथियार बनाने का पूरा जो फैक्ट्री रहती जो सामान रहता है वो पूरा सिगनूर से जाकर बरामद किया गया है। अभी जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, पूर्व में ये लोग कई बार यहाँ पर आए हैं और इनके द्वारा जो उत्तम सिंह है इसको विशेष रूप से मोहरा बनाकर इसमें यूज़ किया जाता था। ये आते तो तीनों ही थे लेकिन उत्तम सिंह को इसके बदले में ये लोग 1,000 रुपये देते थे और जब कभी इनको अंदेशा होता था कि पुलिस वगैरह पकड़ेगी तो ये उत्तम सिंह अपने ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम लेने का इनका ऐसा रहता था, प्लानिंग करेगा और बाकी 2 लोग बच जाएंगे। पूर्व में ये लोग कई बार यहाँ से हथियार लेकर गए हैं। इनके द्वारा पैसे का जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट में ही किया जाता था, तो अभी इनके सारे अकाउंट की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूर्व में कितने बार पैसे का ट्रांजेक्शन इनके अकाउंटों में किया गया है उसके आधार पर ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनके द्वारा कब कब और कितने हथियार पूर्व में खरीदे गए। वो अभी बैंक स्टेटमेंट से जानकारी ली जाना बाकी है। अभी पत्र लिखा गया है, बैंक से जानकारी आने के बाद उसमें विवेचना में शामिल किया जाएगा। निसंदेह अभी जो पूछताछ हुई है उसमें जो आरोपी हैं चमन और धर्मेंद्र, इनके द्वारा दिल्ली में भी हथियारों को बेचा गया है। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 7,000 से 8,000 रुपये में हथियार खरीदते थे और दिल्ली में जाकर 20,000 से 25,000 रुपये में उसकी डिलीवरी करते थे। इस प्रकार से एक पिस्टल में इनको लगभग 2 गुने से ज़्यादा फ़ायदा होता था, तो इस प्रकार से ये कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार का हथियारों की तस्करी करते थे।
हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा सप्लाई की गई, यूपी में भी इनके द्वारा बेचे गए। उस संबंध में अब इनके पूछताछ चल रही है, विस्तृत अभी बयान लिए जाएंगे, कॉल डिटेल वगैरह का अध्ययन किया जाएगा, अकाउंट की जानकारी ली जाएगी, उन सारे दस्तावेजों के आधार पर ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन लोगों को हथियार सप्लाई